अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा दीन वेटर एजुकेशनल सिस्टम से केमिस्ट्री 9th के लेक्चर स्टार्ट है, जिसके अंदर आज का हमारा लेक्चर नंबर 50 है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स। पीछे हमने अल्कली और अल्कलाइन ऑफ मेटल्स के बारे में बात की, जिनके अंदर हमने डिस्कस किया कि इनके सॉफ्टनेस और लाइटनेस का करेक्टर भी हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्ट मेटल्स में ऐसे आ जाती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये सारी क्या हैं जिसमें आ जाती हैं, सोडियम आ जाती है, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। ये सारी किसमें आ जाती हैं, सॉफ्ट मेटल में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो कि लोअर पार्ट्स ऑफ ग्रुप के, वो भी सॉफ्ट हैं, लेकिन इनकी जो सॉफ्टनेस है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है। पी ब्लॉक के लोअर वाले जो मेंबर्स हैं, पी ब्लॉक के पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस तरह हमने कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्ट मेटल्स हैं वो हैं फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, और जो लोअर पार्ट है बी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये सारे क्या हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन इनकी जो सॉफ्टनेस है वो अल्कली मेटल से कम है। और ये अल्कली मेटल्स की निस्बत ये जो लोअर पार्ट्स वाला पी ब्लॉक है, ये सारे क्या हैं, हार्डर हैं। इसके बाद है कि जो मेटल्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, उनको कहते हैं हार्ड मेटल, डी एंड एफ ब्लॉक, तो इसमें आ जाते हैं ये क्या है, हार्ड मेटल में आ जाते हैं। सॉफ्ट मेटल में आ जाते हैं फर्स्ट ए एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं किसमें, इसमें हम कह सकते हैं अगर ब्लॉक वाइज देखा जाए तो एस ब्लॉक इसमें आ जाता है, सॉफ्ट में आ जाता है। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो ये कौन कौन से, हार्ड मेटल में आ जाते हैं। और जो हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट में आ जाते हैं, जैसे कि लोअर मेंबर्स हैं, जो इसके अलावा जो हायर मेंबर्स हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं, वो हार्ड मेटल्स में आ जाते हैं। इनको ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स का नाम भी दिया जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसके बाद है कि हमारे पास दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेटल्स हैं जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि हाई होती है, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। और इसके अलावा कहता है कि जो मेटल्स हैं जैसा कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन वगैरह, प्लैटिनम, यूरेनियम, ये क्या है, हार्ड मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि टंगस्टन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। दी कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विच आर हार्ड मेटल्स आर मोस्टली कलर्ड, और ये डी ब्लॉक हैं जो ये कलर्ड कंपाउंड भी देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर्टनेस। इनर्टनेस का मतलब है कि जो लेस रिएक्टिव है, हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो लेस रिएक्टिव हैं, जैसा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसी मेटल्स मौजूद हैं जिनकी ऑक्सीडेशन बहुत कम होती है, जिनको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, तो ये हमारे पास आ जाती हैं प्लैटिनियम, गोल्ड, इनके ट्रांजिशन मेटल्स के दरमियान ये पाई जाती हैं। इनके इनको क्योंकि हमारे पास ये जो नोबल मेटल्स हैं, इनको नोबल मेटल्स का नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये इनकी इनर्टनेस की बेस पर, तो यहाँ पे इनर्टनेस का मीनिंग ये है कि ये लेस रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ भी ये बहुत कम रिएक्ट करती है। जैसे हमने पहले अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में भी पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, लेकिन ये जो हमारे पास मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इनमें गोल्ड आ जाती है, प्लैटिनियम आपने देखा होगा, गोल्ड को कुरैया नहीं लगा होता, उसको गम नहीं लगता, तो इस वजह से इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये इनर्ट हैं, ये दूसरों के साथ कम रिएक्ट करती हैं, इसकी वजह से इनको कुरैया नहीं लग सकता। इस पर्पज़ की वजह से हम इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो सबसे पहले हम इसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, प्लैटिनियम है, प्लैटिनियम है, गोल्ड है, तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर
इस पर्पज के लिए ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाई लस्टर वगैरह पाया जाता है और ये एयर और वाटर के साथ कुरियन नहीं होता है, इनके अंदर कुरियन का आग नहीं होता। इसके अलावा कहता है कि इनको हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करें तो हम जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और ये है होस्ट वर्ल्ड प्रोसेस। ये प्रिपरेशन ऑफ जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, ये है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड होस्ट वर्ल्ड प्रोसेस में आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसके लिए इनकी प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या कहता है इसको यूज करते हैं, तो वो कौन सा, ये नोबल मेटल्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनके ये इनर्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है कि हम इनको और ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम माइक्रो कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए जहाँ पे लो वोल्टेज रिक्वायर होता है वहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं। वहाँ पे हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास अगर ज़रा सा भी कुरियन अगर उसकी सरफेस के ऊपर लग गया है तो उसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इसकी रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को की वजह से हम इसको नोबल मेटल्स को यूज़ करते हैं। नोबल मेटल्स अगर यूज़ करेंगे तो कुरियन नहीं होगा और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजी होगा और सही होगा। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारे पास आ जाता है कि स्पिनर वगैरह नोजल वगैरह के ऊपर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी पर्पजेज में यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स को इससे बनाया जाता है ताकि कुरियन रेजिस्टेंस रहे। तो ये हमारे पास आ जाता है कि इसको हम किन किन पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर को भी हम, ये भी नोबल मेटल्स में आ जाता है, इसको भी हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी वगैरह कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ज्वेलरी के अलावा कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है नोबल मेटल्स। ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स क्या है, कि हमारे पास जो मेटल्स हैं जैसा कि प्लैटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये हमारे पास इनर्ट आ जाती है। इनर्ट इन्हें इस वजह से कहते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होती हैं, ये कम रिएक्शन करती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ भी कम रिएक्शन करती हैं, इसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ऑक्सीडेशन नहीं होने की वजह से इनके अंदर जंग भी कम लगता है। जंग ना लगने की वजह से क्या होता है, हम इसको ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, इन प्रोसेस के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। इन प्रोसेस के अंदर हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो कुरियन नहीं होगा, और इसके अलावा माइक्रोफोन कंप्यूटर में इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो सही हो। तो ये हमारे पास था नोबल मेटल्स की इनर्टनेस।